वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूली मैरिड के लिए फेस्टिव लुक। आप इसे किसी पार्टी या शादी में भी ट्राई कर सकते हैं। फाउंडेशन को डॉट डॉट करके पूरे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करें, साथ में नेक को भी कवर करें। वेट स्पॉन्ज की हेल्प से फाउंडेशन को पूरे चेहरे और नेक पर अच्छे से अप्लाई करें। कंसीलर की हेल्प से अपने डार्क सर्कल्स और चेहरे पे जो भी पिगमेंटेशन है उनको हाइड करें। कंसीलर अप्लाई करने के बाद 2 सेकंड के लिए आप वेट करें, देन कंसीलर जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब इस स्पॉन्ज की हेल्प से उसको सेट करें। कंसीलर को क्रीजिंग से रोकने के लिए आप किसी भी कॉम्पैक्ट या पाउडर की हेल्प से उसको सेट करें। आपने जहाँ भी कंसीलर फेस पे लगाया है उन सभी जगह पर आपको पाउडर से उसको सेट करना होगा। देन मैं आईब्रोज फिल करूँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, बिकॉज आईब्रोज चेहरे के डायमेंशंस को बहुत ही शार्प कर देते हैं। आई मेकअप के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। प्रो आर्टे के फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं क्रीज को डिफाइन करूँगी। मेरी फर्स्ट ब्रश के कंपैरिजन में ये सेकंड ब्रश मैंने थोड़ा स्मॉल ब्रश लिया है और मैं सेकंड कलर जस्ट क्रीज कलर के नीचे लगा रही हूँ, उसे अप्लाई कर रही हूँ और अगेन फर्स्ट ब्रश की हेल्प से दोनों कलर को स्मज आउट करूँगी। ये थर्ड मैंने पेंसिल ब्रश यूज़ किया है, इसकी हेल्प से मैं पिंक कलर आईज़ के बचे हुए पार्ट पर अप्लाई करूँगी। ये मैं ग्लिटरी पिंक शेड के लिए एक बेस बना रही हूँ। अब मैं एक सेकंड ब्रश से अपने सेकंड कलर और थर्ड पिंक कलर को स्मज आउट करूँगी। फिंगर की हेल्प से मैं ग्लिटरी शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये अप्लाई करने के बाद मैं सेकंड ब्रश से सारे कलर्स को अच्छी तरह स्मज आउट करूँगी। देन इसको डेप्थ देने के लिए मैं एक डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी आईज़ के आउटर वी पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इससे आईज बहुत ही शार्प और शेपअप नज़र आती हैं। नाउ अब टर्न है फेस को काउंटरिंग करने का, इससे हमारे फीचर्स शार्प नज़र आते हैं। इसके लिए भी मैं अपने आई पैलेट का एक ट्रांजिशन ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ और इस ब्रश की हेल्प से मैं अपने चीक बोन के जस्ट नीचे ये शेड अप्लाई करके इसे अच्छे से स्मज आउट कर रही हूँ। नोज़ काउंटरिंग के लिए एक रैंडम ब्रश मेरे पास था, इसकी हेल्प से मेरा नोज़ काउंटरिंग इजीली हो जाता है। आप चाहें तो कोई और भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सो चीक्स को पिंकिश ग्लो देने के लिए मैं लैक्मे एब्सोल्यूट रेंज का पिंक ब्लश यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटिंग, दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट स्टेप, इसके लिए मैं मेकअप रिवॉल्यूशन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ।
देन अगेन पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपनी लोअर आईलिड पे ब्राउन और पिंक शेड मिक्स करके अप्लाई करूँगी ताकि आईज इवन टोन लगे। और अगेन सेम हाइलाइटर को मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ आईज़ के, इससे आईज़ थोड़ी ओपन और बिग लगती हैं। और इस ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज आज को हाईलाइट करूँगी। हेयर स्टाइल बनाने के बाद लिप पेंसिल की हेल्प से मैं अपनी लिप्स को फिल कर रही हूँ, आउटर लाइन बना रही हूँ, देन लिपस्टिक को फिल करूँगी। ये न्यूली मैरिड लुक है सो मांग भरने के बिना ये कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं सेम लिप शेड की हेल्प से अपने मांग को फिल करूंगी। ये सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इससे सारा मेकअप मेल्ट हो जाता है और आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, कुछ भी चीज़ अलग से पॉइंट आउट नहीं होती है। और एक प्यारी बिंदी से मेरा लुक कंप्लीट कर रही हूँ। मैं यहाँ लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा और काजल मुझे मेरे मेकअप में सबसे एंडिंग में लगाना पसंद है, आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। लाइनर मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं लग रही है, बस मैं अपनी टाइट लाइंस को अच्छी तरह ब्लैक काजल से फिल करूँगी और पेंसिल ब्रशेस को स्मज कर लूँगी। दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Bye-bye.